हेलो भाई, शालेय शिक्षा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आपको बता दें कि IUCL की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर बंपर वैकेंसी आ गई, टोटल पर 400 है। रुको जरा, सबर करो। टोटल पर 400 माइनस 396 है। और आपको बता दें कि यह डिप्लोमा के लिए और बीटेक के लिए और बीएससी लेवल के लिए है। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या है। और यहाँ पर बता दें कि आज के डेट से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि 8 मार्च से, और लास्ट डेट है इसका 29 मार्च, और इसका एग्जाम अप्रैल महीने में हो सकता है। और यह जो पद है इसका नाम है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं स्क्रीन पर कि क्या है नोटिफिकेशन, पूरा आपको रीड करके यहाँ बताते हैं। और अलग अलग पद की बात करें तो यहाँ पर यूआर के लिए, मतलब जनरल के लिए टोटल 2 पद है, और उसके बाद सबसे बड़ी जो वैकेंसी है पद है वो ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर टोटल पद है 200। 200 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, मतलब सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मतलब कोई सीट नहीं है, बिल्कुल 0 है ईडब्ल्यूएस के लिए। और नेक्स्ट अगर बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए यहाँ पे टोटल 1 पद है। एससी के लिए यहाँ पर 1 पद है। उसके बाद अगर बात करें एसटी के लिए, तो एसटी के लिए भी यहाँ पर है 300 × 0, मतलब कि यू कैन अंडरस्टैंड हियर आल्सो 0। एसटी के लिए कोई पद नहीं, पीडब्ल्यूडी के लिए 0 पद है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसको फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे कैसे IUCL की साइट पर, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। आप IUCL.com सर्च करेंगे ना तो पता नहीं क्या खुल जाएगा, समझ नहीं आएगा कि यहां तक पहुंचे कैसे। तो उसको पहले हम आपको बताते हैं, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन को एक बार फिर हम लोग देखेंगे कि रिटर्न टेस्ट वगैरह क्या होगा, तो इसको डिटेल में देखेंगे। तो भैया बता दें कि अगर आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले जाना होगा क्रोम ब्राउजर में, और क्रोम ब्राउजर में गूगल सर्च करके गूगल में यहाँ पे लिख दीजिए IUCL.com। देखिए आ गया हमारा, क्योंकि हमने सर्च किया था, और जब तक सर्च होता आप लाइक कर दीजिएगा। आ गया फर्स्ट पेज आ गया, और जैसे ही फर्स्ट पेज आता है देखिए यहाँ पे इतना सब ताम झाम आ गया, इसी में लोग परेशान हो जाते हैं। और यहाँ सब देख रहे हैं वाइट वाइट लिखा एकदम छोटा छोटा। अब इसमें परेशान हो गए थे हम ढूंढने के लिए कि कैरियर्स कहाँ गया, कैरियर्स मिला ही नहीं, बाद में मिला। देखिए यहाँ कैरियर्स है, इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद सर्च होने देते हैं, और जब तक सर्च होता है आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। आ गया भैया, चलिए इस पर देखते हैं और नीचे बढ़ते हैं। तो देखिए लेटेस्ट जॉब ओपनिंग है, क्या हम बोलें, लेटेस्ट जॉब ओपनिंग है। और इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं ओपन होने दीजिए भैया, देखिए इसको शेयर जरूर करिएगा देखने के बाद, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला है नोटिफिकेशन डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए कह रहा है, डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो गया, ओपन हो रहा है, तब तक आप इसको देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। हो गया ओपन, तो अब इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले ही नंबर पर दिया है कि पहली लाइन पहले ऊपर देख लेते हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी डिवीजन बरौनी रिफाइनरी, भैया वही है ना, ऐसा पता चला दूसरे विभाग में हम लोग चले गए और दूसरा ही फॉर्म खोल के दूसरा ही चीज़ देख लिया। नहीं ऐसी बात नहीं, हम लोग वहीं पर हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला ही डेट दिया 8/3/2022 जो कि ओपनिंग है, और क्लोजिंग डेट दिया है आपका 29/3/2022, मतलब कि 29 मार्च को लास्ट है, और 8/3/2022 ओपनिंग, मतलब आज से ही फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया भैया, आज ही 8 तारीख है। उसके बाद अप्रैल 2022 में दिया कि एग्जाम हो जाएगा आपका, तो जल्दी से इसको फॉर्म फिलअप की तैयारी में लग जाइए। और इसके बाद यहाँ सीट दिया है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए, और पोस्ट कोड 201 है। डिसिप्लिन आपका केमिकल इंजीनियरिंग से आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए आगे बताएंगे आपको। और टोटल 4 वैकेंसीज है, वैकेंसी तो बहुत ही ज़्यादा है समझिए, मतलब क्या बताया, चलिए ठीक है जो भी है 4 वैकेंसी है। जनरल के लिए 2 है, WS के लिए 0, SC के लिए 1 है, ST के लिए तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आप समझ लीजिए कि SC के लिए 400 मल्टीप्लाई बाई 0 है, 4-0 ही है। OBC के लिए 1 है, PWD के लिए नील है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हाँ अब यहाँ आ गया जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का पद है। उसके बाद पोस्ट कोड 201 ऑलरेडी बता दिए। यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, चाहे आप केमिकल इंजीनियरिंग में हो, रिफाइनरी में हो, या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में हो, या फिर BSc है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से, तो आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपका 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, आपका 45% मार्क्स होना चाहिए अगर आप EWS से और OBC से बिलोंग करते हैं, आपका जो जो भी मार्क्स है अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, तो आप फिलअप मतलब आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है एक्सपीरियंस के बारे में। तो एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर कुल मिलाकर हम आपको एक वर्ड में बता दें कि अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, है तो उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर यहाँ यही सब दिया है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इसको आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो बहुत डिटेल हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और देखिए अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, इसको पढ़ लेते हैं। नो वुमेन इज परमिटेड टू वर्क इन और अलाउड टू एंटर
एनी बिल्डिंग इन विच जनरेशन ऑफ गैस फ्रॉम डेंजरस पेट्रोलियम एज डिफाइंड इन द पेट्रोलियम एक्ट 1934 इज कैरिड ऑन। कह रहा है कि कोई भी औरत जो होती है उस बिल्डिंग में नहीं जा सकती जहाँ पर गैस का जनरेशन हो रहा है, जो जहाँ गैस निकाला रहा है या डेंजरस पेट्रोलियम पदार्थ कोई है। अब ऐसा क्यों है? हमको तो लगता है कि लड़कियाँ भी हॉट होती हैं और ये गैस भी हॉट हो सकता है, आग लगने का डर होता है। उसके बाद इच कैरिंग नो वुमन इज अलाउड टू वर्क इन एलपीजी स्टोरेज, एलपीजी स्टोरेज में उसको अलाउड करने का परमिशन नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि लड़कियाँ अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हॉट हॉट गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आग लगने का संभावना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मतलब जोक सपाट। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट ये दिया है 26 साल की। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं डब्ल्यू से, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके नीचे है तो 18 26 के बीच में है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या 18 से 26 भी हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद है तो नहीं कर सकते। उसके बाद 5 साल छूट एस सी एस टी के लिए, 3 साल ओ बी सी के लिए मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद डेट ऑफ रिकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब 31/3/2022 तक आपका सब सर्टिफिकेट वगैरह एज वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। यही डेट है, इसके पहले 31/3/2022 तक आप अगर एज वगैरह या फिर आपका सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ सही है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सिलेक्शन मेथोलॉजी में आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में आपका पहले होगा रिटन टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट, मतलब इंटरव्यू वगैरह का लोचा नहीं है, सब कुछ खत्म है यहाँ पर, सिर्फ स्किल टेस्ट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया है सब, उसको पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा नहीं है। www.iocl.com में यहाँ पर आप जा करके फॉर्म फिलअप करेंगे, वो हम लास्ट में बताएंगे कैसे वहाँ तक पहुँचना है फॉर्म फिलअप करने तक। उसके बाद हाउ टू अप्लाई यहाँ दिया है, इसको आप फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब आया है मेन चीज़, देखिए यहाँ पर ये जो एड्रेस दिया है ब्लैक ब्लैक में पूरा काला काला, इसके इसी एड्रेस पर आपको जो सारे फॉर्म जो फिलअप करेंगे और सभी का प्रिंट आउट निकालेंगे, सभी के ऊपर अपना सिग्नेचर करके आपको इसी एड्रेस पर भेज देना है हार्ड कॉपी। नहीं भेजेंगे तो फॉर्म आपका हो जाएगा रिजेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो आगे कुछ नहीं। हाँ, आगे यहाँ पे देखिए ईमेल दिया है और यह नंबर दिया, नंबर पर फ़ोन करके आप कोई भी क्वेरी जो करें तो पता कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये ईमेल दिया, इस पर भी फ़ोन मतलब कि फ़ोन तो करेंगे नहीं, आप इस पर मैसेज भी भेजेंगे तो ईमेल करके आप पता कर सकते हैं। डेट के बारे में दिया, डेट के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिए और फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दे रहा है कि टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट 10/4/2022, टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट रिजल्ट जो है 18/4/2022, टेंटेटिव डेट्स ऑफ SPPT का है 22/4/2022। उसके बाद ज्वाइनिंग का डेट मतलब वो नहीं दिया है, तो नहीं दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बाद तो ज्वाइनिंग ही होगा, तो ठीक है। ये रहा आपका पूरा डिटेल, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए हम मेहनत कर रहे हैं भाई, आप इसको शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा लोगों तक पहुँचा दीजिए, जो जो कुछ आएगा तब ना हम काम करेंगे। दिन भर मेहनत कर रहे हैं लेकिन व्यूज नहीं आ रहा तो फिर मोटिवेशन डाउन हो जा रहा पूरा, तो आपका व्यूज ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, तो आपका एक शेयर हमारे लिए समझिए कि बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाएगा। सो हम बहुत अच्छा काम करेंगे और आपके लिए यहाँ पर बेस्ट जो भी अपडेट्स लेके आएंगे, तो पहले व्यूज तो आने दीजिए भाई, वीडियो चलेगी तब ना हम बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो चलिए वीडियो कहीं पर करते हैं खत्म। अरे मतलब कि अभी आगे है वीडियो, देखिए भाई वीडियो देख लिए भाई, देख लिए तो प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। आप अगर शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा, तो मोटिवेशन आएगा तभी ना हम आपके लिए काम करेंगे, तो प्लीज़ यार शेयर कर दीजिए भाई। शेयर किए कि नहीं? अरे कर दीजिए यार, हाँ ठीक है कर दीजिए, नहीं व्यूज लाइए लाएंगे यहाँ पे तभी ना हम काम करेंगे आपके लिए। हाँ तो ठीक है कर दीजिए, कर दीजिए, तो ठीक है, बाय।